बच्ची है 1 साल 9 महीने की, नाम है प्रणम्या, वेरी क्यूट गर्ल। इनका प्रॉब्लम है कि अभी 1 साल 9 महीने की है एंड अभी ये बैठती नहीं है। लुक एट हर, शी इज नॉट एबल टू सिट ऑन हर ओन। अगर ऐसे बिठाऊं मैं इसको तो ये लेट जाती है, गिर जाती है, और अभी भी ये खड़ी नहीं होती है, सपोर्ट के साथ भी खड़ी नहीं होती है और चलती नहीं है। तो डेफिनेटली इसका डेवलपमेंटल डिले है। 1.5 साल के बाद, 1.5 साल तक तो कम से कम बच्चों को चलना चाहिए। दे शुड बी एबल टू वॉक एंड दे शुड डेफिनेटली बी एबल टू स्टैंड एंड सिट। 9-10 महीने में बच्चे बैठना शुरू करते हैं, लेकिन इसका कुछ वजह से ये बैठ नहीं रही है। डेफिनेटली इसका थेरेपी करना पड़ेगा, फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा, डेफिनेटली ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, कुछ स्कैनिंग भी करना पड़ेगा कि कोई कुछ इश्यू है तो नहीं ब्रेन में। अकॉर्डिंग टू मदर, बर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं था, डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अभी ये लेट हो चुका है इसका बैठना और इसका क्रॉलिंग भी नहीं कर रही है। तो क्या दैट, इसको अगर बिठाएंगे हम तो ये गिर जाती है। सो अगर ऐसे बच्चे आप दिखते हैं कहीं पर भी तो इग्नोर मत कीजिए, ये मत बोलिए पेरेंट्स को कि ये ठीक है, 2 साल में हो जाएगा, 3 साल में हो जाएगा, 4 साल में चलेगी, बैठेगी। डोंट डू दैट, दिस इज डेफिनेटली डिलेड माइलस्टोन। वी हैव टू इन्वेस्टिगेट एज टू व्हाई इट इज डिलेड। एंड ऐसे अगर बच्चे आप फैमिली में किसी के हैं तो प्लीज लेके जाइए और उनका चेकअप कराइए। ओके, थैंक यू बेबी, यू विल बी फाइन सून। ओके, यू विल बी फाइन, या।